अब मैं एक साथ जब तक हमारा कंप्लीट हो जाए ना पहले खत्म हो गया, नहीं दिल्ली से कंप्लीट करना। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, चैप्टर 3 का, फिजिक्स की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखो 10 का ए पार्ट थ्योरी आपकी, 10 का बी पार्ट कर रहे हैं, 10 का बी पार्ट कर रहे हैं। 10 का बी पार्ट में क्या है आपके पास, 10 का बी पार्ट। ठीक है जी, 10 के बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो न्यूमेरिकल क्या है, अ ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक को आपने गीले स्लिपरी फ्लोर के ऊपर रख दिया, ब्लॉक को गीले स्लिपरी फ्लोर पर रखा है, नहीं ऐसा फ्लोर पर रखा जो स्लिप करता है, उसमें ब्लॉक पर रखा तो ब्लॉक स्लिप करेगा। ठीक है, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 15 किलोग्राम, तो मास आपको दिया हुआ ब्लॉक का, एम बी का मतलब मास ऑफ द ब्लॉक, इधर दिया 15 किलोग्राम। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग, अब उसको स्ट्रिंग से आपने खींचा है, एंड स्प्रिंग बैलेंस, इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, आपने स्प्रिंग बैलेंस से खींचा, इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। जब आप उसको खींचा तो पता चला था कितनी फोर्स लग रही थी, 3 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। ठीक है, आपने उसको इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। तो जब उसको खींचा हमने स्प्रिंग बैलेंस से, तो पता चला वो स्प्रिंग बैलेंस से शो हुआ कि 3 न्यूटन की फोर्स से खींची, 3 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, इसे ये कहलाता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिंबल सिंबल है, क्या नाम बताया था मैंने, म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, एम म्यू एफ इक्वल टू म्यू एम जी होता है, म्यू आर होता है, ये होता है ना म्यू, ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा ना, ये म्यू आर से डिवाइड, म्यू आर आपस में मल्टीप्लाई, आपको निकालना है म्यू, म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, तो म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू आर से मल्टीप्लाई हो रहा है या आर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा एफ अपॉन आर, अभी उधर तो एफ बराबर हो जाएगा, और आर किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, वेट के बराबर होता है, आर क्या होता है रिएक्शन की फोर्स होती है ना, वो रेटिंग वेट के बराबर होती है, तो आर बराबर हो जाएगा एफ की जगह एफ लिखा, आर की जगह डब्ल्यू लिखा, और म्यू बराबर हो गया, और वेट किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करता है आपको म्यू निकालना है, तो म्यू बराबर हो जाएगा एफ की जगह फोर्स कितनी लग रही थी, 3 न्यूटन की, डिवाइड बाय मास कितना दिया हुआ है 15 किलोग्राम, मतलब जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10 जो भी ले लो। ठीक है, ठीक है, अभी तो सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपका म्यू निकल कर आ गया 3 डिवाइड बाय 15 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 147 कितना आ रहा है, 147 पूरा, तो 15 को 9.8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 147 आ गया, तो म्यू बराबर आ गया, 3 को डिवाइड करा दो 147 से, 3 डिवाइड बाय 147 कितना आंसर आ रहा है, 0.020। ठीक है, ये निकल कर आ गया म्यू, यानी म्यू, म्यू क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब किस चीज़ की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी आपने, बीच में पानी रख दिया था, 0.020। अब देख लो मैंने वो टेबल दिखाया था, हर बॉडी की अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, 0.20 देखो कौन से बॉडी है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, 0.020 इसमें ये वैल्यू नहीं दी, इसमें दिया हुआ मैटर और मैटर, आपने क्या रखा हुआ था इसमें, देखो आपने क्या बोला, अ ब्लॉक इज प्लेस ऑन द वेट स्लिपरी फ्लोर, फ्लोर किस चीज़ का बना होता है, वो भी आपका सैंड का बना होता है, ठीक है ना, और ब्लॉक है वो भी आपका मिट्टी का बना होता है, तो मिट्टी और मिट्टी दोनों मिट्टी इस्तेमाल हो रही है, दोनों आपका सैंड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो सैंड है, हाँ सैंड, और बीच में अपना वाटर रख दिया, बीच में अपना वाटर डाल दिया, तो सरफेस था, तो उसके तो इसका तो हमारे इसलिए नहीं दिया, हमें दिया हुआ है टायर और रोड का, आयरन और आयरन का, तो ये आपका जो निकल के आया म्यू की वैल्यू, जो उसमें निकल के आई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकल कर आई, समझ आ गई बात, ये आपको ये आपका आपका